सो हाई एवरी वन दिस इज सौरभ ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे होमी के बाबा के बारे में वैसे तो आई हैव क्लियर सो मेनी थिंग्स इन माई पोस्ट कलोनियलिज्म जो सीरीज है उसमें इन माई पोस्ट कलोनियलिज्म सीरीज लेक्चर सीरीज या फिर वो प्ले लिस्ट आप चेक कर लिया करो मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वो वाला लेक्चर कहाँ है वो वाला लेक्चर कहाँ है आप सीधा जब चैनल में जाते हो प्ले चेक करिए प्ले में जितने भी सारी भी जितनी लिटरेरी थियरीज है उसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ ठीक है उसमें सारी प्ले लिस्ट बनाई है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं तो होमी के बाबा इससे पहले मैं जो दो तीन लेक्चर्स बना चुका हूँ पोस्ट कॉलोनियज्म -कलोन, पे शायद दो लेक्चर्स बनाए अभी मैंने तो उसको आप जरूर देख लेना एक बार क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आने वाली है वो उसमें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं तो ये इसमें हम थोड़ा सा इसकी तीन चार कंसेप्ट की बात करेंगे बुक्स में आपको इतनी बताऊंगा दो तीन इसकी बुक्स बताऊंगा बुक्स आप खुद भी याद कर सकते हो खुद गूगल करके आप खुद भी उसको रट सकते हो थोड़े से कंसेप्ट की ही मैं आज बात करूंगा तो थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं होमी के बाबा वॉज बोर्न इन अ पारसी फैमिली मैं सबका बताता नहीं हूं पर इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है पता लगेगा पारसी फैमिली इन बॉम्बे ठीक है जी सो ही वॉज बोर्न इन अ पारसी फैमिली इन बॉम्बे इंडिया सिटी और आज ये एक के नाम से ही जाना जाता है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ठीक है अब मैं ये भी एक रीजन के लिए बता रहा हूँ अब वो रीजन पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि होमी के बाबा जो था वो पोस्ट एक्चुअलिज्म में भी आता है ठीक है अगर कहीं ऑप्शन में है कि आप नीचे दिए गए कोई एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को उठाओ तो उसमें अगर चार ऑप्शन में होमी के भाभा है तो होमी के भाभा को आपने सही करना है अगर वहां पे कोई और ना हो पोस्ट स्ट्रक्चर अगर कोई और होता है तो शायद उसमें ग्रुप बना के वो आपको ऑप्शन में दे तो होमी के भाभा एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट था ठीक है ये आपने याद रखना है इसने काफी कंसेप्ट लिए फ्रेंड्स फेनोन की इसने काफी कमेंट उसके कंसेप्ट की बात की Uh, हाँ मैं तीन लेक्चर्स बना चुका हूँ तो ठीक है फ्रेंच फेनोन पे बना चुका हूँ एडवर्ड सईद पे बना चुका हूँ और एक पोस्ट कलोनलिज्म पे बना चुका हूँ ये फोर्थ लेक्चर है होमी के बाबा पे मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि कौन सा लेक्चर है ये चौथा है कि तीसरा है क्योंकि काफी दिनों बाद बना रहा हूँ आज तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है ये इसने क्या किया कि कई राइटर्स है जैसे कि जैक्स डेरिडा से भी इसने कुछ कंसेप्ट उठाया और मिखाइल बाख्तिन पे भी मिखाइल बाख्तिन को मैं रशियन फॉर्मलिज्म में कवर कर चुका हूँ मिखाइल बाख्तिन का मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था डायलॉजिक डायलॉजिज्म आप जिसे कह, कह सकते हो ठीक है तो इसने जो ये वाली टर्म है इसको यहां से उठाया मिखाइल वक्त से और इसने इसको किस किस संदर्भ में किस कंटेक्स्ट में यूज किया उसने कंटेक्सट में यूज किया कि कॉलोनाइजर और कोनो के बीच में जो एक रिलेशन होता है उसे इसने डायलॉजिक कहा क्योंकि डायलॉजिक का मतलब ये होता है म्यूचुअलिटी बिटवीन रिलेशनशिप्स ठीक है डायलॉजिक मतलब डायलॉग दो लोगों के बीच में या फिर जो भी एक डिस्कोर्स टाइप तो उस तरीके से मिखाइल बाख्तिन का जो डायलॉजिक टर्म है इसको उसने कहाँ अप्लाई किया कॉलोनियल थियरी में पोस्ट कॉलोनियल थियरी में और किस तरीके से किया कि रिलेशनशिप बिटवीन कोलोनाइजर एंड दी कोलोनाइज ठीक है रूल करने वाले और जो रूल हो रहे हैं वो लोगों के बीच में जो रिलेशन है ये उन्हीं लोगों के रिलेशन की बात करेगा जितने में अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसके ये सारा कोलोनाइजर और कोलोनाइज के बीच में जो रिलेशन है वही बताएगा और तीन चार कंसेप्ट जो है वो आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है ठीक है तो मैंने आपको इतनी सी इसकी बात बता दी अब हम सीधा कंसेप्ट पे आते हैं ठीक है पहले इस डायलॉजिक को मैं यहां से मिटाता हूं ये आपने याद रख लेना है जरूरी चीज है मिखाई वाकते लिया है और इसने नेशन का आइडिया भी लिया है नेशन पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूं इसकी दो है ना नेशन एंड नरेशन बहुत फेमस बुक है नेशन एंड नरेशन फिर है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लोकेशन ऑफ कल्चर लोकेशन ऑफ कल्चर 1993 ठीक है ये दो बुक्स आपने इसकी याद रख लेनी है है 1994 में है ना लोकेशन ऑफ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में ये पूछा जाता है चलो जी पारसी फैमिली में हुआ था पैदा इसका अभी मैं बताता हूं नेशन एंड नरेशन ये बुक एंड लोकेशन ऑफ कल्चर ये आपने याद रखना यह थोड़ा बहुत नेशन की भी कहीं ना कहीं बात करेगा है ना अब कॉलोनियलिज्म में है तो नेशन की बात तो आएगी ही नेशन से ही उठता है ना सब कुछ सारी ये मुद्दे तो ये आपने दो बुक्स याद रख ली इसका स्क्रीन ले लो या फिर लिख लो ठीक है बाकी आपने क्या करना है गूगल पे जाना है होमी के बाबा की बुक सर्च करनी है जो भी आपको ठीक लगती है जिसका ईयर साथ में आपको मिल रहा है उसके नोट्स बना लो ठीक है और उसको रट लो क्योंकि वो यूजीसी नेट में काम आएगी कम से कम पांच छः बुक्स तो आपको पता होनी चाहिए एक राइटर की छह सात बुक्स अब जैसे मैंने दो बुक्स बताई तो तीन तीन बुक्स और इसकी याद कर लेना जो आपको लगे कि अच्छी इंपॉर्टेंट है है ना जो थी वो मैंने बता दिया अब ये किस चीज की बात करेगा ये बात करेगा थर्ड स्पेस की थर्ड स्पेस मैंने आपको थर्ड वर्ल्ड भी अच्छे से समझाया है थर्ड वर्ल्ड क्या है, है ना पिछली वीडियो में तो वो थर्ड स्पेस और थर्ड वर्ल्ड थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, है ना? ये थर्ड स्पेस की बात करेगा अब थर्ड स्पेस क्या है सबसे पहली बात मैं साथ में हाइब्रिडिटी भी लिख देता हूं हाइब्रिडिटी जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइब्रिडिटी होमी के बाबा जहां होता है वहां हाइब्रिडिटी का नाम आता ही आता है एच एच से याद रख लो होमी एच से होमी के बाबा और एच से हाइब्रिडिटी ठीक है हाइब्रिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड स्पेस है ठीक है अब ये क्या कहता है हाइब्रिडिटी किस चीज़ को कहता है ये हाइब्रिडिटी है हाइब्रिड क्या होता है जब आप प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो हाइब्रिडिटी होता है जब हम कोई एक अलग किस्म के प्लांट को एक अलग किस्म के प्लांट के साथ मिलाते हैं और एक तीसरी किस्म तैयार करते हैं है ना तो अब जैसे कोई मान लो एक हिंदू है वो मुस्लिम से शादी करता तो उनका जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड पैदा होगा ठीक है तो हाइब्रिडिटी का यही मतलब है अब एक अंग्रेज है मान लो मैं एक इंडियन हूँ मान लो क्या मैं एक इंडियन ही हूँ तो मैं एक अंग्रेजन से शादी करता हूं ठीक है तो मेरे बच्चे जो होंगे वो बहुत हाइब्रिड किस्म के होंगे ठीक है उनमें कुछ मेरे गुण आएंगे ठीक है इंडियन के इंडियन ब्लड और कुछ अंग्रेजों के आएंगे ठीक है तो एक हाइब्रिडिटी होगी अब ये हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट है कि जब कोलोनाइजर्स यहां पर आए हमारी कंट्री में आए या फिर जिस जिस कंट्री में भी उन्होंने रूल किया जो कॉलोनाइजर रहे उसके बाद जो कॉलोनाइज लोग थे उन पे जो उसका असर दिखा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कैसे हम फैशन के इतने मुरीद हो रहे हैं कैसे हम जितनी भी चीजें फॉलो कर रहे हैं डे टेबल पे खाना खा रहे हैं हम जींस पैंट फटी पहन रहे हैं क्रॉप टॉप पहन रहे हैं या फिर हम हमारा कल्चर है आज इंडिया का हाइब्रिड कल्चर है language, language today, हम दिन रात एक कर रहे हैं जिसकी तैयारी के लिए वो भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है ठीक है तो ये हाँ, हमारा जो कल्चर है आज की डेट में बहुत हाइब्रिड है क्यों क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर भी है और इसमें अंग्रेजों का कल्चर भी है दोनों कल्चर मिक्स है जब दो कल्चर मिक्स होते हैं उसे आप हाइब्रिडिटी कहते हैं ठीक है तो ये हाइब्रिडिटी होमी के बाबा ने इसी बारे में बात की है अब ये हाइब्रिडिटी कैसे होती है अब जो होमी के बाबा है वो हाइब्रिडिटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है उसकी अपनी लाइफ कैसे बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड देन ही वेंट फॉर स्टडी टू इंग्लैंड ठीक है तो इसने क्या है कि इसने अपनी जो भाषा थी इंडिया में बॉम्बे में शायद कौन सी भाषा में इसने किया होगा पता नहीं मराठी या जिसमें भी तो इसने अपनी भाषा में भी इसकी स्टडी हुई है उसके बाद इसकी इंग्लिश में स्टडी हुई है इसने दो दो कल्चर का हिस्सा ये बना है ठीक है तो जब ये दो कल्चर पहला कल्चर और दूसरा कल्चर जब ये दो कल्चर मिलते हैं तो क्या बनता है हाइब्रिडिटी ठीक है और जहां ये मिलते हैं जिस जगह ये मिल रहे हैं उसे कहेंगे थर्ड स्पेस अब समझ गए आप जब ये दो कल्चर एक हुए तो वो हाइब्रिड हो गया हमारा होमी के बाबा अब अब जहां ये दो कल्चर मिल रहे हैं उस स्पेस को ये फर्स्ट स्पेस ये सेकंड स्पेस और जहां ये दोनों मिल रहे हैं जहां एक तीसरी चीज तैयार हो रही है वो हो गया आपका थर्ड स्पेस ठीक है बहुत ही इजी तरीके से कोशिश की है मैंने आपको इसीलिए मैंने यहां बीच में लिखा पहले कि मैं अच्छे से इसको क्लियर कर पाऊं तो अब आप समझ गए कि थर्ड स्पेस क्या है हाँ तो थर्ड वर्ल्ड भी वही वर्ल्ड है जहाँ पे कोलोनाइजर्स का रूल रहा है ठीक है जो भी कंटिनेंट्स मैंने तीन कंटिनेंट्स बताए थे एशिया साउथ अफ्रीका और तीसरा शायद ऑस्ट्रेलिया बताया था तो ये तीन जो कंटिनेंट्स है इनकी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो गुलाम रही है तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं ठीक है उन्हें अब ट्राई कंटिनेंट भी कहते हैं थर, थर्ड वर्ल्ड की जगह तो ये थर्ड स्पेस उसे थोड़ा मिलता जुलता है क्योंकि ये कोलोनाइजर से ही रिलेटेड है ठीक है चलो इतना समझ गए आप लोग अब आगे चलते हैं अब आपको इसी के साथ ही बता देता हूं वो भी बहुत इससे मिलता जुलता है इसके अगले दो मिटाई देता हूं ना अच्छा तो आप ये समझ गए हाइब्रिडिटी क्या है और थर्ड स्पेस क्या है अब दो कंसेप्ट इसके और है वो भी इसी से मिलते जुलते हैं अब एक इंपॉर्टेंट जो है वो है ये एम्बीवलेंस देखो जब भी आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता सबसे पहले उसको डिक्शनरी में देखो एम्बीविलेंस का मीनिंग देखो ठीक है अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एम्बीवलेंस का मतलब क्या होता है एम्बीवलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग मिक्स्ड फीलिंग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मिक्स्ड फीलिंग डाउट ठीक है समझ गए आप अब मान लो मुझे किसी लड़की को अपने जन्मदिन में बुलाना है ठीक है मेरी कोई फ्रेंड है मैं उसको बुलाना है अब वो मेरे बर्थडे में आ तो जाएगी क्योंकि उसका मुझसे अच्छा रिलेशन है ठीक है मेरी उससे अच्छी दोस्ती है मैं उसको बुलाना चाहता हूँ लेकिन जो मेरा दोस्त है वो उसकी एक्स रह चुकी है ठीक है उनके रिलेशन ठीक नहीं है मेरा दोस्त भी मेरी पार्टी में आएगा वो भी मेरी पार्टी में आएगा आएगी ठीक है अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ मैं उसे बुलाऊँ या ना बुलाऊँ जब आप एक कंफ्यूजन में पहुंच जाते हो जब आप एक डिसीजन नहीं ले पाते हो ठीक है जब आप डाउट है आपको अनसर्टेनिटी है मिक्स फीलिंग है फीलिंग फीलिंग मतलब आपको लव वाली भी है एंड हेट वाली फीलिंग भी है मतलब दोनों मिक्स है पता नहीं मतलब कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि करना क्या है ठीक है तो ये मिक्स फीलिंग अनसर्टेनिटी डाउट कि मुझे उसको बुलाना है अपनी पार्टी में कि नहीं बुलाना एक डिसीजन लेने में जब हमें प्रॉब्लम आती है उसे एम्बीवलेंस कहते हैं तो ये एम्बीवलेंस क्या है एम्बिवलेंस भी वही है जो कोलोनाइजर और कोलोनाइज के बीच में एक रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एम्बीवलेंस वहाँ पे है मिक्स फीलिंग है ठीक है अब जो अब हम लोग हैं हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम एडमायर करते हैं अंग्रेजों की ठीक है उन्होंने रेलवेज इतना अच्छा बनाया शिमला को इतना सुंदर बनाया इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे चीज़ों कंस्ट्रक्ट किया चर्चेस बनाई उन्होंने बहुत कुछ किया है ना और भी काफी चीज़ों के लिए हमें उन्हें हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें नफरत भी करते हैं कि हम उन्होंने हमें लूटा इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया थी उसको हमें गुलाम बनाया हमें गरीब कर दिया वो सारी चीजें ठीक है तो एम्बुलेंस जो है एक मिक्स फीलिंग है जो कॉलोनाइजर और कोलोनाइज के बीच में हमेशा रहती है तो इससे कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी होती है जो कॉलोनाइजर होते हैं उन पर इसका असर पड़ता है उनकी जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी कमजोर भी हो जाती है कई बार ठीक है क्योंकि कई बार कहीं हो सकता है कोई रेवोल्यूशन हो गया कुछ इस टाइप की चीजें हो गई तो एम्बीवलेंस को आप इस तरीके से समझिए मैंने आपको इसका ये मीनिंग बता दिया और मैंने ये बता दिया कि ये कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के बीच में जो रिलेशन है उनकी जो मिक्स्ड फीलिंग है एक दूसरे के लिए ठीक है अच्छी वाली भी है बुरे वाली भी है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है कॉलोनाइजर के लिए कॉलोनाइज के लिए भी तो उसे एम्बीवलेंस कहा है ठीक है एम्बीवलेंस किसने कहा है होमी के भाबन है ठीक है ये इसकी टर्म याद रखनी है अब इसकी एक लास्ट टर्म जो मैं आपको बता रहा हूं वो है ये मिमिक्री मिमिक्री ठीक है एम आई एम आई सी आर वाई मिमिक्री तो आप लोगों को सभी को पता है मिमिक्री अब ये मिमिक्री भी इसी से रिलेटेड है हाइब्रिडिटी ठीक है अब मिमिक्री क्या है जब हम किसी की नकल करते हैं तो आज इफ इफ आई वांट टू से यू नो आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश जस्ट लाइक अगर मैं मतलब एक एक्सेंट मार रहा हूं ना अंग्रेजों वाला तो मैं क्या कर रहा हूं मैं अपना ओरिजिनल एक्सेंट में बात नहीं कर रहा हूँ हालांकि आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन माई ओरिजिनल एक्सेंट इन एन इंडियन एक्सेंट तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट कई बार क्या होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लाइक दीज इंग्लिश पीपल डू राइट तो वो क्या है वो मिमिक्री है ठीक है हम उन्हें मिमिक कर रहे हैं जैसे हम एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं तो उसी तरीके से मिमिक्री जो है मिमिक्री है कोलोनाइज वही अब लिखने की जरूरत नहीं है कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज जो कॉलोनाइज लोग होते हैं जब वो कॉलोनाइजर की नकल करते हैं जैसे कि मैंने मान लो एक लड़के को देखा ठीक है उसने घुंघराले बाल रखे हैं ठीक है उसने बढ़िया जीन्स पहनी है शॉर्ट्स पहने है। या फिर लड़कियों का एग्जांपल ले लो कोई पेरिस की लड़की देख ली कोई इंग्लैंड की लड़की देख ली उसने बड़ा अच्छा फैशन किया है तो हमारी इंडियन लड़की का भी मन किया कि मैंने भी वैसे फैशन करता आज आजकल कर रील्स चली है टिकटॉक था पहले तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की नकल करते थे हम कि हमने भी इन्हीं की तरह करना है आज की डेट में मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अंग्रेज़ों की ही नकल करना चाहती है वो वेब सीरीज़ भी वैसी देख रहे हैं वो मूवीज़ भी वही देख रहे हैं हॉलीवुड पिक्चर्स देख रहे हैं वो अपना जो उनका ड्रेसअप है उसे भी वैसा ही रखना चाहते हैं रील्स भी उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं वो मिमिक्री है ठीक है हम उन लोगों की मिमिक्री करते हैं हमें लगता है कि हम उनकी तरह बन जाएंगे क्योंकि वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले भी बताया यूरोसेंट्रिक और ऑक्सीडेंट और ओरिएंट वाला जो कंसेप्ट है ठीक है यूरोसेंट्रिसिज्म भी उसे कहते हैं जो कि मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन भी जिसे हम कहते हैं कि हम उनकी नकल कर रहे हैं हमें लगता है कि वो सुपीरियर है वो हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हम इन्फीरियर है ठीक है वो सारी चीज़ें तो ये मिमिक्री उसी चीज़ को है इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत वैसे है तो है एक इसने चीज़ बोली है इसको आप याद रख लो मेटोनमी ऑफ प्रेजेंस मैंने बहुत कोशिश की कि इसको समझ पाऊं पर मैं समझ नहीं पाया तो इसीलिए आप इतना याद रख लो तो होमी का होमी के बाबा ने कहा है दैट मेमिक्री इज मेटोनमी ऑफ प्रेजेंस ये टर्म इसकी एक बार क्वेश्चन भी आया है कहीं मैंने पढ़ा था तो कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कहीं भी ये टर्म आए तो समझ लेना ये होमी के बाबा ने बोली और किसके बारे में बोली मिमिक्री के बारे में मेटोनमी तो आपको पता ही जब किसी चीज़ का हम कोई एक पार्ट उसकी यूज़ करते हैं जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड होता है जब उसके लिए हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो उससे रिलेटेड है एग्जैक्टली exactly वो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है उसे मेटोनमी कहते हैं जो हमारी रिलिटरी टर्म है एक ठीक है लेकिन मेटोनमी ऑफ प्रेजेंस जहां तक मैं समझ पाया तो प्रेजेंस तो यही है कि हम आज भी जो हम चीटिंग कर रहे हैं मतलब कि ये मिमिक्री हम जो कर रहे हैं इमिटेशन हम अंग्रेजों की कर रहे हैं तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस का यहाँ पे एहसास जिंदा है इंडिया में अंग्रेजों अंग्रेज चले गए लेकिन वो डायलॉग है ना कि अंग्रेज चले गए और तुम्हें छोड़ गए तो वही वाली बात है कि उनकी प्रेजेंस आज भी कहीं ना कहीं है जहाँ तक कि मैं इस इस फ्रेज को समझ पाया हूँ मैंने काफ़ी इस बारे में पढ़ा लेकिन कुछ ऐसा घुसा नहीं मेरे दिमाग में तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं घुसी वो मैं आपके दिमाग में जबरदस्ती घुसाऊँ है ना तो इतना आप याद रख लो कि इसने मिमिक्री को ये कहा है मेटोनमी प्रेजेंस और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इसका मतलब यही है क्योंकि मेटोनमी वही होता है कि जिसको क्लोजली एसोसिएटेड है किसी उसके लिए यूज़ किया गया और प्रेजेंस प्रेजेंस मतलब कोलोनाइजर्स जो लोग हैं उनकी प्रेजेंस को ये मिमिक्री अभी हाँ आज भी हमें याद दिलाती है हाइब्रिडिटी का भी ऐसा ही कंसेप्ट है सब लोग चले गए लेकिन आज भी हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही है उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हालांकि अब ट्रेडिशनलिस्ट पार्टी आई तो है बीजेपी वो काफ़ी हिंदुआइम हिंदुआज़म करती रहती है पर चीज़ें नहीं बदलने वाली है कभी भी नहीं बदलेगी ये हम कॉलोनाइज्ड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें आज भी यही लगता है कि जिन्होंने हम पे रूल किया वो सुपीरियर्स थे ठीक है तो के बाबा का इतना ही है बस सिंपल सा और होमी के बाबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप अब आप आइडिया तो आपको मिल गया है इस चीज़ का अब आपने इसको डिटेल में पढ़ना है जब भी आपको टाइम लगे तो जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं इसको इंटरनेट पर सर्च करो इसके बारे में और डीप स्टडी करो इसके कुछ बुक्स हैं उसको याद करो मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाने का था कि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें हैं क्या ठीक है पढ़ना तो आपने खुद ही है मेहनत तो आपने करनी है चबा कर कोई नहीं देगा है ना आपको कोई राशन दे सकता है आपको बनाना भी खुद पड़ेगा चबा के खाना भी खुद ही पड़ेगा पचाना भी खुद पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको राशन दे रहा हूँ भाई फ्री का ठीक है इसको ले जाओ पकाओ खाओ चबाओ पचाओ जो मर्जी करो ठीक है तो होमी के बाबा हो गया खत्म अब मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट कलोनलिज्म पे शायद मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा इसमें गायत्री चक्रवर्ती स्पेवक एक आप राइटर याद रख लो इसके बारे में आपने पढ़ना थोड़ा सबाल्टन के बारे में बात करेगी ठीक है और हेनरी लुइस गेट्स जूनियर जो मैंने पुरानी वीडियो में इन दोनों राइटर्स का बताया आप उसको तो उसको पढ़ लेना उनके वर्क्स याद कर लेना आपने हो उसके गायत्री चक्रवर्ती के, वर्क्स याद कर लेना और अगर एक दो कंसेप्ट होंगे तो उसको एक बार देख लेना ठीक है उनको मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि उनका कुछ ऐसा मेन कंसेप्ट है नहीं जैसे इसका हाइब्रिडिटी है एम्बीवें मिमिक्री है उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं ठीक है समझाने वाली चीज़ तो वो सबालट्रन के बारे में बात करेगी सबाल्ट्रन वही ऑस्ट्रेलिया में वही लोग जो पिछड़े वर्ग के मार्जिनलाइज्ड जो लोग होते हैं उसे उन्हें सबाल्ट्रन कहा जाता है उसमें कोई बड़ी उतनी मुश्किल काम नहीं ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही अब मैं नेक्स्ट शायद फेमिनिज्म पर एक वीडियो बनाऊँ उसी में सब कुछ कवर करा दूंगा क्योंकि फेमिनिज्म तो हर किसी की ज़ुबान पे आजकल तो मुझे नहीं लगता कि समझाने वाली कोई ज़रूरत है सूडो फेमिनिज्म में बहुत चल रहा है इट्स हर चॉइस ब्रो सो इट्स माय चॉइस चलो इस लेक्चर में इतना ही बाय